कानपुर पुलिस हर रोज चर्चा का विषय बनी रहती है। वहीं एक और मामला कानपुर पुलिस से सामने आया है, जहां सीएससी बिल्हौर में तैनात महिला चिकित्सा अधिकारी को इंस्पेक्टर बिल्हौर केशव कुमार तिवारी द्वारा फोन करके अभद्रता करने के साथ ही धमकाने का आरोप लगा है। महिला चिकित्सा अधिकारी ने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है। महिला डॉक्टर का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने स्वास्थ्य मंत्री से कहकर नौकरी से निकलवाने की बात कही है। मामले की जांच चल रही है। जो हमारे अधिकारी हैं, मतलब यार इंस्पेक्टर साहब हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा मेरे को दे दो, मैं बात कर लेती हूँ। मैंने बहुत प्यार से बोला तो उन्होंने तुरंत, जैसे ही उन्होंने पहले ही मैंने हेलो बोला तो उन्होंने बोला कि मेडिकल क्यों नहीं कर रही हो। ठीक, तो मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं कि इस तरह से आप बात कर रहे हो। एक मतलब मैं ड्यूटी पे हूँ, डॉक्टर हूँ और मैं देख रही हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं मेडिकल नहीं करूँगी या नहीं कर रही। मैंने बहुत आराम से बात करी। मैंने ये भी कहा कि मैं, मतलब मैंने ये बोला है कि FIR की कॉपी और एक एप्लीकेशन लिखवाइए, उसमें ये लिखिए कि क्या कहते हैं, बाह्य करवाना है या आंतरिक करना है या दोनों परीक्षण पूरा करिए। तो उन्होंने तुरंत बोला कि मैं तुझे मैं मेडिकल करना सिखा दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक, तुझे मैं नौकरी करना सिखा दूंगा, सरकारी नौकरी कैसे होती है। केशव तिवारी जो इंस्पेक्टर हैं, तुझे मैं तुझे DM साहब को फोन करूंगा, तेरी सरकारी नौकरी ले लूंगा, मैं तुझे फायर कर दूंगा। अच्छा, मैं पाठक साहब को फोन करूंगा, तुझे खिंचवा लूंगा और तुझे मैं बताऊंगा कि सरकारी नौकरी कैसे होती है। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने, फिर मैंने कहा आप एक महिला से ऐसे बात कर, आप बाकी कैसे बात कर, तू मुझे सिखाएगी कैसे बात करी जाती है। ठीक, उसके बाद फिर मैंने जब बोला तो मैंने कहा आप मुझसे बात मत करिए, आप अस्पताल CSC बिल्हौर आइए, हमारे अधीक्षक सर हैं, उनसे बात करिए आप। तो उन्होंने बोला मैं तो नहीं आऊँगा मगर तुझे जरूर बुला लूँगा। उसके बाद उन्होंने फोन किया। तो आपने मैडम अपने अधीक्षक को, जो सीनियर को, अवगत कराया? मैंने अधीक्षक सर को बुलाया और बात पूरी बात बताई। अधीक्षक सर उस समय मीटिंग ले रहे थे, DSW की मीटिंग हो रही थी। जैसे अधीक्षक सर आए, उन्होंने CMO सर को इन्फॉर्म किया और SHO को भी बात करी, ये केशव जी से बात करी, तो वो हमारे अधीक्षक सर की भी नहीं सुन रहे थे। उन्होंने ये बोला कि ये तो हमें बता रही थी हमारी रैंक क्या है। बिल्कुल मैंने अपनी रैंक बताई कि मैंने कहा एक महिला चिकित्सा अधिकारी जो कि अभी ऑन ड्यूटी है, उससे आप अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जो कि अक्षम्य है। मुझे मानसिक बहुत पीड़ा है और मैं सुबह से बहुत ही प्रताड़ित महसूस कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल सुरक्षा नहीं लग रही है। इस तरह से अगर रहा, इस तरह से इनका व्यवहार है, तो शायद मेडिकल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपके जो उच्च अधिकारी हैं तो उन्होंने बिल्हौर इंस्पेक्टर साहब की इस कार्यशैली को लेकर क्या कुछ आपको आश्वासन दिया अभी तक? कुछ अभी तक मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। अच्छा, चिकित्सक अधीक्षक जी जिसे आपने जब अवगत कराया उसके बाद कहाँ गए? चिकित्सा अधीक्षक जी इस समय फील्ड में गए हैं, उपस्थित महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया जाना था। मेडिकल परीक्षण में हो रहे विलंब के कारण SHO बिल्हौर और महिला चिकित्सा अधिकारी के बीच दूरभाष पे वार्ता हुई, जिसके उपरांत महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा SHO बिल्हौर पे आरोप लगाते हुए एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है कि SHO बिल्हौर ने उनके साथ दूरभाष पे वार्ता के समय दुर्व्यवहार किया। वहीं SHO बिल्हौर ने भी महिला चिकित्सा अधिकारी पे आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया है कि महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जानबूझकर मेडिकल परीक्षण में विलंब किया गया और जब उन्होंने इसके लिए उनसे वार्ता की गई दूरभाष पर, तो महिला चिकित्सा अधिकारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इन दोनों प्रार्थना पत्रों को निष्पक्ष जांच के लिए ACP बिल्हौर को दिया गया है, जिनको ये निर्देशित किया गया है कि वह मौके पर जांच करके जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उनके बारे में स्थिति स्पष्ट करें और जो मौके पर बाकी लोग उपस्थित थे उनसे भी संबंध में जानकारी लें। जो भी जांच में चीज़ें सामने आएगी उसके आधार पर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।